सो फ्रेंड्स, आपने तो कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें इस तरह के वीडियोस डालकर व्यूज़ कमाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं अपने खुद के डेटा से। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कोई डेटा तैयार करना है जो आपके पास हो या फिर आपको पता हो। तो अगर आपके पास कोई डेटा है तो आपको अपना एक्सेल खोलना है और एक्सेल में उस डेटा को बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर COVID-19 का डेटा बनाया। सबसे पहले मैंने डेट डाली, फिर मैंने कंट्री का नाम डाला, मतलब जो बार्स होते हैं उनमें कंट्री का नाम आना चाहिए। तो मैंने टाइटल में कंट्री का नाम डाला, जैसे चाइना, इंडिया, ईरान, इटली, अमेरिका। तो इन बार चार्ट में डेटा का टाइटल डालने के बाद उसके टाइटल के नीचे उसका डेटा डालना है। जैसे इंडिया में इंडिया का कितना है, और डेट भी डेट वाइज डालनी है, 22-23-24। और डेट के सामने वही डेटा डालना है जो उस दिन था। तो इस तरह से मैंने COVID-19 का डेटा बनाया है। और फिर आपको इसको बनाने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको सेव एस पे क्लिक करना पड़ेगा। और सेव एस पे क्लिक करने के बाद आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक्सेल वर्कबुक इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आपको उसको हटाकर CSV फॉर्मेट में उसको सेव करना पड़ेगा। उसको सेव करने के बाद इस फाइल को सेव करने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और गूगल पे सर्च करना है FabDev बार चार्ट रेस ये सर्च कर लेना है आपको। और सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक होगा FabDev बार चार्ट रेस जनरेटर, आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जहाँ ये चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और आपका जो माय कंप्यूटर है वो खुल जाएगा और उसमें जो आपने एक्सेल में डेटा बनाया था उसको चूज़ कर लेना है। उसको चूज़ करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका वो डेटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से ड्यूरेशन चेंज कर लेना है, जितने ड्यूरेशन में आप बनाना चाहते हैं। और यहाँ से बार्स के नंबर सेट कर लेने हैं, हमारा 5 नंबर का है लेकिन हम ज़्यादा करेंगे। और यहाँ से आप अपने बार चार्ट का नाम बदल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर COVID-19 डेटा कर देता हूँ। और नाम डालने के बाद आपको सिंपली जनरेट बार चार्ट पे क्लिक करना है। और जनरेट बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये बार चार्ट रेस तैयार हो जाएगा। अच्छा वेबसाइट है, आप भी चेक करिए। वैसे कई सारी वेबसाइट है जिस पे आप ऐसी बार चार्ट रेस तैयार कर सकते हैं, जैसे एक फ्लोरिश नाम की वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और भी कई वेबसाइट है जहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, पर मैंने इस वेबसाइट को इसलिए चुना ताकि ये थोड़ी आसान भी है और आप भी इसमें प्रोग्रामिंग कर डेटा बना सकते हैं CSV फाइल की मदद से। लेकिन अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो एक गूगल टूल बॉक्स /dataset search नाम से गूगल की वेबसाइट है, आप वहां से जाके किसी भी कंट्री का, दुनिया का कोई सा भी डेटा ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं, या फिर CSV फाइल उसमें ऑलरेडी होती है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसा बार चार्ट रेस तैयार कर सकते हैं।